हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, इफ़ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटीज़। अब देखो यहाँ से इसके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रखे हैं। देखो क्या कहता है, इफ़ एन इवेंट कैन नॉट अकर, अगर कोई इवेंट अकर ही नहीं हो सकता देन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़ीरो। समझ रहे हो, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़ीरो, और जिसकी 100% श्योरिटी होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो है कि इवेंट कैन नॉट अकर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़ीरो। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आंसर में इसका क्या आंसर आएगा, हमारे पास डी ऑप्शन आएगा, ठीक है, जो कि है ज़ीरो। कितनी बात समझ में आई है, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो इसमें से ये पूछता है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं कह रहा है इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती इवेंट की। ठीक है, तो देखो आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़ीरो से लेकर 1 के बीच में लाई करती है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है हमारा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है और लेस देन इक्वल टू 1 होता है, यानी कि 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, और अगर इसको हम परसेंटेज की फॉर्म में बात करें तो परसेंटेज में ये 0% से लेकर 100% तक चलती है, मतलब अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसको हम 100% बोलते हैं और अगर 0 है प्रोबेबिलिटी तो 0% बोलते हैं। ठीक है, 1 को कैसे हम 100% बोलते हैं, परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं किसी भी टर्म को। ठीक है ना, तो 1 है अगर प्रोबेबिलिटी, उसको परसेंटेज में निकालना है तो 1 × 100 100% बन जाती है। ठीक है, तो अगर परसेंटेज में दिया होता है तो ये हमारे पास 0% से 100% के बीच में लाई करता है। अब देखो जैसे 1/3 है, तो 1/3 के लिए देखो हम देखेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लाई करती है 0 और 1 के बीच में। देखो वैसे यहां से हमें नॉर्मली पता चल रहा है कि इसका जो न्यूमिरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 से लेस ही होगा। क्लियर है, देखो जैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं, देखो 1 और 3 को डिवाइड करो, 1 और ये 3 नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगेगा, फिर एक जीरो लग गई यहाँ पर, 3 3 ज़ा 9, समझ रहे हो बात को, और ये 1 0 फिर 3 3 ज़ा 9। तो मतलब देखो ए ऑप्शन तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसने बोला कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो ये तो हो सकता है क्योंकि 0.33 आ रहा है और 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है ये चीज़। ठीक है, 0.1 भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो ये भी हो सकता है। 3% परसेंटेज के लिए भी मैंने आपको बता दिया 0% से 100% के बीच में लाई करता है, तो ये 3% वाला भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो 17/16 यहाँ से साफ पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी आएगी, क्यों, इसका न्यूमिरेटर बड़ा है। अगर आप डिवाइड करके देखोगे, देखो 17 और ये 16, 16 × 1 = 16, ये 1 बचा, फिर 0 लगा तो पॉइंट लगेगा, फिर एक और 0 आएगी तो उसकी 0 यहाँ भी लगेगी, एंड 16 6 6 6 36 96 हो जाएगा ये, और 4, तो देख लो 1.06 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो 1 से बड़ी हो गई, 1.06 ग्रेटर देन हो गई 1 से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई करता है 0 से 1 के बीच में, और उसने क्या पूछा है हमसे, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, तो कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी में क्या आंसर होगा हमारे पास, ये डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 17/16 प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो ही नहीं सकता। क्लियर, नेक्स्ट देखो 14th क्वेश्चन में, देखो क्या बोलता है, एन इवेंट इज अनलाइकली टू हैपन, मतलब क्या कह रहा है, इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, मतलब बिल्कुल भी हो नहीं सकता या होने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है इज क्लोजेस्ट टू, तो किसके क्लोज होगी, वो जीरो के, जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मतलब क्या होता है जीरो का, अगर प्रोबेबिलिटी जीरो है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो हो ही नहीं सकता, और एक यहाँ पर क्या कह रहा है, वेरी अनलाइकली टू हैपन, मतलब बहुत ही कम चांसेस है उसके होने के, तो यानी कि वो जीरो के पास ही लाई कर रहा होगा, तो ये ऑप्शंस हैं, तो इनमें से क्लोज किसके होगा, वो देख लो, ये सबसे छोटी वैल्यू है 0.0001, समझ लो 0.1 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई अगर इसके कंपैरिजन में देखें हम, तो आंसर क्या होगा इसमें, हम सॉल्यूशन या आंसर में इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 0.001 जो है हमारे पास, ये 3 × 0 और 1, ये क्या है हमारा, जीरो के बिल्कुल नियरेस्ट है। देख लो ये भी थोड़ी बड़ी वैल्यू हो रही है क्योंकि 0.001 है, फिर ये 0.01 ये और बड़ी हो गई इससे, ये 0.1 ये इससे भी बड़ी हो गई। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू ये है हमारे पास जो कि जीरो से, जीरो के पास लाई करती है। ठीक है, तो अनलाइकली टू हैपन के लिए, इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्लोज किसके रहेगी, 0.0001 के। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। उसके बाद देखो जी 15th क्वेश्चन पे आ गए हम, देखो यहाँ पर 15th क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है हमारे पास, पी है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब नोट पी, जैसे हम, अगर आपको याद है प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में जो कि 15 चैप्टर था एनसीईआरटी का, उसमें देखो ये था आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1 होता था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इस कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पर इवेंट ई है, इस वजह से ये फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है, तो ये आएगा 1 माइनस में पी ऑफ ई। ठीक है, समझ रहे हो, अब उसने क्या बोला कि इवेंट है पी, ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से देखो इवेंट है पी प्लस में उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसके इक्वल होगा, 1, मतलब प्रोबेबिलिटी
होने के और ना होने के चांसेस प्लस करके क्या होता है, वन होता है, ठीक है। और यहाँ इवेंट को पी बोल रहा है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं लिखी है मैंने, प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पी है। जैसे यहाँ ई लिखा है ना मैंने, ऐसे ये पी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से देख लो पी बार क्या आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या आ जाएगा, वन माइनस पी आएगा, इसी फॉर्मूले से अगर आप इसको इक्वेट करो, क्लियर है, ठीक है। तो वन माइनस पी होगा, तो यहाँ से देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा आंसर होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा हमारे पास, वन माइनस पी होगा, क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की, देखो इसमें क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर अक्रेंस कैन नेवर बी, मतलब परसेंटेज में जो होगी प्रोबेबिलिटी वो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती, परसेंटेज में कह रहा है। तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज में 0% से 100% के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है लेस देन 100, लेस देन 100 तो हो सकती है, ठीक है ना, 0 से 100 के बीच में लाई करती है क्योंकि प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में। अब लेस देन 0, लेस देन 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये 0 के इक्वल हो सकती है या फिर ग्रेटर हो सकती है, लेकिन लेस देन 0 नहीं हो सकती। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा इसमें हमारे पास, करेक्ट बी ऑप्शन होगा, क्योंकि लेस देन 0 नहीं हो सकती परसेंटेज में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ग्रेटर देन 1 हो ही सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है 100 तक, ठीक है। और डी पार्ट में क्या कह रहा है, एनीथिंग बट अ होल नंबर, एनीथिंग में तो देखो 100 से ऊपर तो नहीं हो सकती, लेकिन उसने यहाँ बोल दिया होल नंबर, तो होल नंबर तो है ही है, 0 से लेकर आगे सारी टर्म क्या होती है, होल नंबर, और 100 तक तो हम यहाँ पर कंसिडर कर ही सकते हैं। तो उसने कहा था नेवर बी, नेवर बी में फिर बी ऑप्शन बचता है हमारे पास, लेस देन 0 वाला, ठीक है ना, लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकती, मतलब वो तो नेगेटिव में चली गई वैल्यूज, क्लियर। अब जैसे परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर ये 1/3 प्रोबेबिलिटी थी मान लो, ठीक है, परसेंटेज में अगर हमें निकालनी है तो परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है। तो 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो मैं इसको यहाँ पर ये 3 ले लेता हूँ और ये 4 ले लेता हूँ, मान लो 3/4 है प्रोबेबिलिटी कोई, क्लियर, 3/4 किसी की प्रोबेबिलिटी है, इसको मेरे को परसेंटेज में निकालना है, थोड़ा ईजी हो जाएगा करना, इस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज में ऐसे निकालना, तो 4 से ये कट जाएगा, कितना आएगा, 25, 25 3 75%, 3/4 तो हो ही सकती है प्रोबेबिलिटी, क्यों, क्योंकि 3 ऊपर न्यूमिनेटर छोटा है और 4 बड़ा है डिनोमिनेटर, और इनको जब हम करेंगे तो ये 1 से लेस ही होगा, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3/4 तो हो सकती है प्रोबेबिलिटी, इसको परसेंटेज में अगर हमें निकालना है तो 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलती है, ठीक है, तो ये 75% बन रही है, तो है ही प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी, ठीक है, समझ रहे हो। ये तो वैसे ही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो ये पता चल जाना चाहिए आपको, लेस देन 0 नहीं होती परसेंटेज में भी, क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें 17 क्वेश्चन की, देखो इसमें क्या कहता है, इफ पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, देन पी ऑफ ए जो होगा लेस देन 0, पी ऑफ ए ग्रेटर देन 0, या फिर पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए जो होगा हमारे पास वो 0 से बड़ा या इक्वल, या 1 से छोटा या इक्वल, ये तो हो सकता है क्योंकि हमें ये चीज़ पता है। देखो जब ये मैंने आपको बताई थी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 से ग्रेटर या इक्वल होती है या 1 से लेस या इक्वल होती है, ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ इवेंट ई की बात हो रही तो ई लिखा है, यहाँ इवेंट ए की बात हो रही है तो इसमें ए लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ तो माइनस 1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो डी तो हो ही नहीं सकता, तो यानी कि ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि पी ऑफ ए क्या है हमारे पास, लेस देन 0 हो गया, ठीक है ना, तो लेस देन 0 तो नहीं होता, पी ऑफ ए ग्रेटर देन 1 ये भी नहीं होता है, तो पी ऑफ ए जो है 0 से 1 के बीच में लाई करता है वो ये टर्म बनती है सिर्फ, और ये डी तो हो ही नहीं सकता, माइनस में लिखा हुआ है ये तो, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में या इसके आंसर में क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जो कि है 0 से लेकर 1 के बीच में, क्लियर है। इसका मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए 0 से बड़ा या उसके इक्वल हो सकता है, या 1 के इक्वल या उससे लेस हो सकता है, यानी कि 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करती है, वही बात ये पूछ रहा था यहाँ पर, ठीक है। कर लोगे क्वेश्चन सिंपल ही थे, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।